हे hey गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप अच्छे होंगे। तो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं मोटो G45 डिवाइस के अंदर आप किस तरीके से, किस मेथड से उसकी कैमरा की टिप्स एंड ट्रिक्स जान सकते हो। तो मैं इस वीडियो के अंदर टॉप 5 टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाला हूँ कैमरा की। तो प्लीज़ वीडियो कंप्लीट देखते रहिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ओके, सबसे पहले हम अपना कैमरा ओपन कर लेते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट टाइम मैंने कैमरा ओपन किया है। ओके, तो अभी यहाँ पे हम सिंपल तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूँ इसके फीचर्स। तो बाकी आपको नॉर्मल जो बेसिक फीचर्स रहते हैं पता रहता है, ठीक है, बट मैं आपको इसके अंदर जो सेटिंग्स हैं, टिप्स हैं, वो आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे हम सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग में जाने के बाद गाइस, यहाँ पे आप देखेंगे आपके फ़ोन की जो सिंपल तरीके से सूट ऑप्टिमाइजेशन है, जिसकी गाइस अगर आप ये वाली सेटिंग्स ऑन रखोगे तो आपका फ़ोन यहाँ पे AI का यूज़ करके आपको एक अच्छा ऑप्टिमाइजेशन देता है। ठीक है, जिससे क्या है कि आपके फ़ोन के अंदर अच्छा रिजल्ट निकल के आता है। वाटर मार्क पर क्लिक करेंगे तो गाइस यहाँ पे अपना टाइम वाटर मार्क लगा सकते हो। ठीक है, कब कहाँ किस टाइम आपने लिया था। यहाँ पे अपना डिवाइस का नेम, यहाँ पे गाइस आप अपना खुद का नेम भी आप डाल सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये सेटिंग्स कर पाओगे। ओके, वाटर मार्क भी ऑन ऑफ कर लोगे। इसके बाद यहाँ पे आप देखोगे तो आपको एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है यहाँ पे सेल्फी मिलर का। कई बार क्या होता है, आप सेल्फी क्लिक करते हो ना तो आपकी उल्टी आती है सेल्फी, ठीक है, मिलर हो जाती है। तो इसको आप ऑन करके एक बार चेक कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आप देखोगे तो आपको ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे कैप्चर मेथड्स का, तो आपको इस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको तीन सेटिंग देखने को मिलेंगे। ये तीन फीचर्स आप काफ़ी इंपॉर्टेंट समझिएगा, मतलब फोटो क्लिक करने के तीन ऑप्शन है। पहला, जेस्चर सेल्फी। अगर आप अपने फ़ोन के सामने अपना पाम दिखाएंगे, मतलब कि अपना हाथ दिखाएंगे पूरे प्रॉपर तरीके से, तो आप एक फोटो क्लिक कर सकते हो, है ना। फिर यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है ऑटो स्माइल कैप्चर। आप अगर इस सेटिंग इनेबल करते हो और आप अपने कैमरा के सामने स्माइल करोगे, ठीक है, कैमरा के फ्रेम में आप जब स्माइल करोगे तो आपका फ़ोन आपका फोटो क्लिक कर लेगा। फिर यहाँ पे टैप एनीवेयर टू कैप्चर। अगर आप इस सेटिंग ऑन करेंगे तो आप अपनी स्क्रीन पर कहीं भी क्लिक कर दें, आपका फ़ोन आपका फोटो क्लिक कर लेता है, मतलब कि आपके फ़ोन के अंदर आपकी जो सेल्फी है वो आ जाती है। ओके, आपका फोटो आ जाता है, मतलब कहीं भी क्लिक कर दोगे तो। ठीक है, आई होप कि आपको ये वाली चीज़ समझ में आई होगी। इसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है आपको, ठीक है, क्विक कैप्चर। इस पर आप क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद अगर आप इस सेटिंग को ऑन करते हैं तो ये सेटिंग का नॉर्मल जम्पर मतलब ये है कि आप अपने फ़ोन को कुछ इस तरीके से घुमाएंगे, ठीक है, हाथ में अपने, ठीक है, तो अपने फ़ोन के अंदर आप ऐसे करोगे तो आपका फ़ोन ऑटोमेटिकली आपका कैमरा ओपन कर लेता है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए अभी हमारे हाथ में फ़ोन है, ठीक है, मैं अपने फ़ोन को ऐसे ऐसे करूँगा तो मेरे फ़ोन के अंदर यहाँ पर कैमरा चालू हो चुका है। तो इस तरीके से आप ये वाली सेटिंग भी कर सकते हो, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, बाकी गाइज यहाँ पे आप देखोगे तो आपका नॉर्मली प्रो मोड, वीडियो, फोटो, पोर्ट्रेट मोड, नाइट विजन मोड निकालना है वो निकाल लोगे। मोर पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे पैनोरोमा, ठीक है, स्पॉट कलर, डुअल कैप्चर, स्लो मोशन वीडियो, टाइम लैप्स वीडियो, ठीक है, स्पॉट कलर, ये सब आप कर सकते हो। ठीक है, डुअल कैप्चर, ये सारी सेटिंग्स आप कर सकते हो। आई होप सो कि आपको ये सारी सेटिंग समझ में आ गई होगी और आप इस चीज़ को डेफिनेटली यूज़ करोगे। तो उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छा लगा है। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर से करो। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर लो। तो मिलते हैं आपसे हम फिर किसी अगली और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।